हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब दोस्तों? आप लोग की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हैवी गाउन के साथ कैसे एसेसरीज ज्वेलरी कैरी कर सकते हो, तो आज की वीडियो में मैं आपको रिक्वेस्ट ये पूरी करने वाली। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप डिफरेंट डिफरेंट गाउन के साथ डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरी एसेसरीज कैसे कैरी कर सकते हो। क्या होता है दोस्तों, देखिए जब कभी कभी होता है हमने बहुत अच्छा आउटफिट कैरी कर लिया, मेकअप भी बहुत ही अच्छा होता है, पर उसके साथ जो हम एसेसरीज कैरी करते हैं लाइक इयररिंग्स हो गया, बैंगल्स हो गया, क्लचेस हो गए, वो अगर हमने मतलब अच्छे से नहीं कैरी किया तो क्या होता है, पूरा जो ओवरऑल लुक होता है हमारा वो बिगड़ जाता है। तो हमारी इयररिंग्स हो गए, बैंगल्स हो गए, मतलब हमारी ओवरऑल ज्वेलरी जितनी भी एसेसरीज है वो सब हमारी आउटफिट को मैच खानी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी हमने बहुत ज़्यादा मतलब जो हमारी आउटफिट भी बहुत हैवी होती है और हमारी ज्वेलरी भी बहुत हैवी होती है, तो वो काफ़ी ओवर लगता है। तो सब चीज़ एकदम मैच होना चाहिए, मतलब सब मेरा मतलब है एकदम ओवरऑल आपका सेटल लुक आना चाहिए। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, डिफरेंट डिफरेंट गाउन के साथ आप डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरी कैसे कैरी कर सकते हो, तो यही मैं आपको बताऊँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो इसे लाइक करना। तो चलिए आपका और टाइम मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट नंबर आता है हैवी गाउन का। हैवी गाउन में भी मैं स्पेशली उन गाउन की बात कर रही हूँ जिन पे आप देखते हो नेक पे बहुत ज़्यादा हैवी वर्क होता है। तो इस टाइप के गाउन के साथ आपको जो हैवी ज्वेलरी नेक में मतलब हैवी नेकलेस आपको नहीं कैरी करना चाहिए। ऐसे क्या होता है कि आपका गाउन ऑलरेडी हैवी वर्क का है और नेक पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा वर्क है, तो आप नेकलेस भी हैवी कैरी कर लोगे तो बहुत ही ओवर लगेगा। आप अगर नेक में कुछ लेना भी चाहते हो तो एक पतली सी सिंगल चैन ले सकते हो, और कोशिश करनी चाहिए कि गोल्ड की ज्वेलरी तो मत ही पहनो गाउन के साथ, और ईयर में आप छोटे छोटे इयरिंग पहनो, बहुत ही ज़्यादा लंबे भी इयरिंग पहनो तो ऐसा मत पहनो कि जो बहुत ही हैवी वर्क वाले हो, छोटे छोटे इयरिंग्स आप पहनो और गले में आप एकदम पतली सी चैन लो, तो ये जो ओवरऑल लुक निकल के आता है ये काफ़ी सटल निकल के आता है, क्योंकि आप ऑलरेडी आपकी गाउन काफ़ी हैवी है, तो आपके नेक में और ईयर में अगर छोटे छोटे से कुछ एसेसरीज होंगे तो ओवरऑल लुक काफ़ी सटल निकल के आता है। और इस तरह के हैवी गाउन के साथ आपको बैंगल्स नहीं कैरी करना चाहिए। आप या तो वॉचेस कैरी कर सकते हो या तो हाथ में ब्रेसलेट कैरी कर सकते हो, तो वो काफ़ी स्टाइलिश लगता है और लुक भी काफ़ी अच्छा है। और सेकंड चीज कि इस तरह के गाउन के साथ आपको क्लचेस कैरी करना चाहिए, और क्लचेस भी ऐसे होने चाहिए जिसमें बहुत ही हैवी वर्क नहीं होना चाहिए। लाइक मेरे पास ये क्लच आप देख सकते हो, काफ़ी प्यारा सा सिंपल एंड सोवर क्लच है। तो हैवी गाउन के साथ आप कुछ इस तरह का क्लच कैरी कर सकते हो, और थोड़ा सा कोशिश करो जैसे आपकी गाउन जिस कलर का है या तो उसी कलर का लो, या तो थोड़ा सा आप डिफरेंट कंट्रास्ट कलर करने की कोशिश करो, तो डिफरेंट जब कंट्रास्ट निकल के आता है ना, तो वो ओवरऑल लुक आपके पूरे आउटफिट का मतलब आप पूरा ओवरऑल लुक आपका बहुत ही अच्छा निकल के आता है। तो कुछ इस तरह का आप क्लच कैरी कर सकते हो, आप देख सकते हो कितना मतलब सिंपल सोवर सा क्लच है। ये क्लच मैंने अमेजोन से परचेज किया था, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ब्यूटीफुल से इसमें टैसल भी लटकी हुई है, तो ये हैवी गाउन के साथ बहुत ही ईजिली चला जाता है, और मैंने इसीलिए इसे परचेज भी किया था। मेरे पास एक बहुत ही हैवी गाउन है जिसपे ब्लू कलर का है, जिसपे नेक पे बहुत ही हैवी वर्क है, तो उसके साथ ये क्लच बहुत ही अच्छे से जाता है। तो आप भी हैवी गाउन के साथ इस टाइप का कुछ क्लच बात करती हूँ कि अगर आपका गाउन बहुत ही सिंपल है और सिंगल कलर का है, यानी प्रिंटेड नहीं है और सिंपल भी है, मतलब सिंपल सा किसी कलर का जैसे और लाइट कलर का जैसे बेबी पिंक हो गया, मतलब किसी भी कलर का बहुत ही सिंपल है, तो इस तरह के गाउन के साथ आप हैवी नेकलेस कैरी कर सकते हो, हैवी इयररिंग भी कैरी कर सकते हो, क्योंकि आपका जो गाउन है वो काफी सिंपल है, तो उसे रिची लुक देने के लिए आपको कुछ हैवी एसेसरीज कैरी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप हैवी नेकलेस हैवी इयररिंग कैरी कर सकते हो, और इस टाइप के गाउन के साथ आप कोशिश करो स्लिंग बैग कैरी करो, और स्लिंग बैग ऐसा कैरी करो जिसमें थोड़ा सा वर्क हो ताकि ओवरऑल लुक काफी रिची निकल के आए। रुकिए मैं आपको एक स्लिंग बैग भी दिखा, सो यू कैन सी मेरे पास ये स्लिंग बैग है जो सिंपल गाउन के साथ काफी अच्छा जाता है, आप इसका लुक देख सकते हो, थोड़ा सा इसमें हैवी वर्क है। जो न्यूली मैरिड गर्ल है ना उनके हिसाब से ये तो स्लिंग बैग काफी अच्छा है, आप देख सकते हो ओवरऑल इसमें बहुत ही ज्यादा वर्क है, और यहाँ पे आपको एक ब्राउट भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये क्लच जो है सिंपल गाउन के साथ काफ़ी अच्छा जाता है, लुक भी आप देख सकते हो मुझे मत, और मैंने स्पेशली इसी पर से इसे परचेज किया था क्योंकि मेरे पास मुझे गाउन का बहुत ही शौक है, मेरे पास कई तरह के गाउन है, तो जो मेरे पास सिंपल गाउन है उस टाइप के गाउन के साथ मैं इस तरह का स्लिंग बैग पसंद मतलब कैरी करना पसंद करती हूँ, तो आप भी कुछ ऐसा ट्राई कर सकती हो। सेकंड जो मेरा ये वाला क्लच है ये भी स्लिंग बैग के साथ आता है, मतलब इसमें भी आपको ऑलरेडी एक चैन प्रोवाइडेड है, यू कैन सी, तो इसे भी आप स्लिंग बैग बना सकते हो। तो अगर आपका कुछ मतलब कुछ ऐसा कलर है जिसमें आप कंट्रास्ट कर सकते हो तो उस टाइप के गाउन के साथ भी आप ऐसा मतलब स्लिंग बैग कैरी कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा लुक देता है। और थर्ड चीज़ आप ये कर सकते हो कि अगर आपकी गाउन काफ़ी सिंपल है ना
तो आप अपने रिंग में, अपने फिंगर में कुछ हैवी रिंग पहनो, मतलब जिसके जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना वो कुछ थोड़ा सा हैवी हो, थोड़ा सा बड़ा हो, ताकि ओवरऑल लुक काफ़ी रिची और काफ़ी स्टाइलिश लगे। आप इस ऑक्सीडाइज जो ज्वेलरी आती है, ऑक्सीडाइज रिंग जो काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, वो भी ट्राई कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी लगती है सिंपल गाउन पे। और अगर आपका गाउन सिंपल है तो आप अपने हाथ में बैंगल्स भी कैरी कर सकते हो। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका गाउन की स्लिप कैसी है। अगर वो हाफ स्लिप है, स्लीवलेस है, तो आप कैरी कर सकते हो, और अगर वो फुल स्लिप की है तो आप बैंगल्स ऑब्वियसली बात है नहीं कैरी सकते हो। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है। गाउन आपने देखा होगा जो ऑफ शोल्डर आते हैं, मतलब उसका नेक आप कह सकते हो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इस टाइप के गाउन के साथ आप नेक में चोकर टाइप का नेकलेस ट्राई करो, वो काफ़ी प्यारा लुक निकल के आता है। कोशिश करो जो चोकर तो हो थोड़ा सा, लेकिन उसमें मतलब लटकन आप कह सकते हो, थोड़ा सा वर्क भी हो और थोड़ा सा चोकर स्टाइल वाला हो, तो इस तरह का आप नेकलेस ट्राई करोगे ना तो वो काफ़ी प्यारा लुक निकल के आता है। और साथ में इयररिंग में आप कुछ ऐसा ट्राई करो जो स्टड टाइप का हो, मतलब टफ्स टाइप का हो लेकिन बड़े बड़े हो, तो ये जो इस तरह ऑफ शोल्डर के गाउन होते हैं उनके साथ इस टाइप की ज्वेलरी काफ़ी अच्छे से जाती है। जो साड़ी गाउन आता है जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, इस तरह के गाउन के साथ आप कोशिश करना कि आप गोल्ड की ज्वेलरी तो बिल्कुल भी मत कैरी करना। आप इन सब के गाउन के साथ जो साड़ी गाउन वाली आती हैं उनके साथ आप जो लंबे लंबे एयरिंग होते हैं, स्पेशली जो शोल्डर लेंथ तक के एयरिंग होते हैं, वो ट्राई करना, वो काफ़ी अच्छा लुक देते हैं, काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं। नेक में भी आप इसमें हल्का फुल्का कोई नेकलेस ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्क वाला नहीं, हल्का फुल्का कोई नेकलेस कैरी कर सकते हो, हाथ में ब्रेसलेट कैरी कर सकते हो, तो ओवरऑल लुक काफ़ी बड़ा मतलब बहुत ही अच्छा निकल के आता है। और क्योंकि ये साड़ी गाउन है तो आप इसके साथ अपने फिर रिंग भी कैरी कर सकते हो बड़ी सी। और जो न्यूली मैरिड गर्ल है अगर वो इस तरह का मतलब गाउन पहनती है तो वो हाथ में अपने जो शादी का चूड़ा होता है ना वो भी कैरी कर सकती है, या कोई मोटा सा ब्रेसलेट कैरी कर सकती है। पर हाँ, बैंगल और अपने मोटे कंगन मत ट्राई करना, वो नहीं अच्छा लगता है। पर आप जब शादी का जूड़ा पहनोगे साड़ी गाउन पे तो वो ओवरऑल लुक काफ़ी प्यारा निकल के आता है, स्पेशली न्यूली मैरिड गर्ल के लिए। और न्यूली मैरिड गर्ल के लिए वो इस साड़ी गाउन के साथ इस तरह का क्लच कैरी कर सकती हैं, तो ओवरऑल लुक काफ़ी स्टाइलिश। ये तो मैंने अभी आपको बातें बताई कि आपका गाउन किस तरह का है, मतलब हैवी गाउन है, सिंपल गाउन है, साड़ी गाउन है। और एक गाउन और भी आता है जिसमें मतलब आप कह सकते हो प्रिंट गाउन होता है, उसमें कई कलर के प्रिंट होते हैं, तो इस गाउन के साथ भी आप बहुत ही हैवी वर्क वाली ज्वेलरी मत पहनो। आप कोशिश करो ऐसी ज्वेलरी पहनो जैसे आप देखिए आपके ड्रेस में कौन सा कलर कम है, तो उस कलर की आप मतलब उस कलर से थोड़ी सी मैचिंग एसेसरीज कैरी करो। लाइक मैं जैसे क्लच या पर्स की बात कर रही हूँ, तो जो कलर कम है ना आपकी ड्रेस में आउटफिट में, उस कलर से मैच आप वो क्लच लो, पर्स लो, और इयररिंग भी थोड़ी सी वैसे मैचिंग लो, तो इससे क्या होता है एक बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट निकल के आता है, तो ओवरऑल लुक आपका जो होता है ना बहुत ही अच्छा उभर के आता है और आप बहुत ही स्टाइलिश दिखते हैं। तो प्रिंटेड गाउन के साथ आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ सिंपल सिंपल से टिप्स बताती हूँ जो आपका किसी भी टाइप का गाउन है, तो आप जब भी गाउन वेयर करो तो इन टिप्स को ध्यान रखो कोई भी एक्सेसरीज मतलब कैरी करने से पहले। सबसे पहली बात, आपको गाउन के साथ कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी नहीं कैरी करनी चाहिए, वो एकदम अच्छी नहीं लगती है। सेकेंड चीज, आपको गाउन के साथ हेयर स्टाइल पे भी ध्यान देना चाहिए कि आपका हेयर स्टाइल कैसा है। जैसे गाउन के साथ आप जुड़ा बना सकती हो, वो काफ़ी अच्छा लगता है। साथ ही गाउन के साथ आप स्ट्रेट हेयर मतलब आप अपने हेयर को खुले रख सकती हो, उसमें स्ट्रेटनिंग करवा सकती हो, वो भी काफ़ी प्यारा लुक आता है। थर्ड, आप आजकल देखते होंगे कि मोस्टली लोग ये हेयर स्टाइल कैरी करते हैं कि कर्ली हेयर, वेवी हेयर, तो ये भी गाउन के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये तीन हेयर स्टाइल हैं जो गाउन के साथ। अब बात करूँ कि गाउन के साथ आपको किस टाइप की ज्वेलरी कैरी करनी चाहिए, तो गोल्ड की तो कैरी नहीं करनी चाहिए, आप डायमंड की ज्वेलरी कैरी करो वो काफ़ी अच्छी लगती है, या ऐसी ज्वेलरी कैरी करो जिसमें थोड़ा सा पर्ल वर्क हो वो काफ़ी अच्छी लगती है। लाइक मेरे पास एक ईयरिंग है, आप देख सकते हो इसमें एक पर्ल लटका हुआ है, तो ये भी गाउन के साथ काफ़ी अच्छी जाती है। आपकी मतलब कुछ ऐसा गाउन जिसमें बहुत ही ज़्यादा वर्क ना हो तो उस गाउन के साथ ये बहुत ही अच्छे से जाती है। आप देख सकते हो इस इयररिंग में ऊपर से आपको स्टोन के वर्क मिल जाएंगे, नीचे पर्ल का, तो ये गाउन के साथ काफ़ी अच्छे से जाता है। सेकंड, आप चांद बाली ट्राई कर सकते हो लाइक दिस, ये भी गाउन के साथ काफ़ी अच्छे जाता है। ये जो प्रिंटेड गाउन होते हैं ना उसके साथ काफ़ी अच्छा जाता है। एक मैंने अभी जो इयररिंग पहनी है ये भी आप गाउन के साथ कैरी सकते हो, अब मैं आपको दिखाती हूँ, यू कैन सी, ये भी गाउन के साथ काफ़ी अच्छा जाता है क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी काफ़ी अच्छे से गाउन के साथ जाता है। ऊपर से ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है तो गाउन के साथ काफ़ी अच्छे है। गाउन के साथ आप जो मतलब थोड़े से डस्की कलर वाले गाउन होते हैं ना उनके साथ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी काफ़ी अच्छे से जाती है। सेकेंड, आपका गाउन अगर बहुत ही हैवी वर्क वाला तो आप इस टाइप की कुछ छोटी छोटी झुमकियाँ कैरी कर सकते हो, और थोड़ा सा आपको बड़ा पहनने का मन है तो आप इस टाइप की भी। तो फ्रेंड, ये थे कुछ छोटे छोटे टिप्स जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे।
होंगे गाउन के साथ कैसे एक्सेसरीज लें, कैसे ज्वेलरी पहने, कैसे एयरिंग पहने। आपके साथ जब भी गाउन करो तो इन बातों का ध्यान रखो, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। और इन बातों को ध्यान रख के अगर आप पूरी से मतलब अच्छे से तैयार होते हो, अपने आउटफिट को ध्यान में रख के आप ज्वेलरी और एक्सेसरीज कैरी करते हो, तो ओवरऑल लुक काफी सटल, काफी रिची और काफी अच्छा निकल के आता है। और लोग सब कोई आपकी जहां भी जाएंगे सब कोई आपकी तारीफ करेंगे। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव हो, काफी इंटरेस्टिंग लगे। और वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो इसे लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।